कॉलेज शुरू नहीं होने से छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब तक उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। यह भी तय नहीं किया गया है कि कॉलेज कब तक खुलेंगे। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत पूरे मंत्रालय को लेकर नागपुर पहुंच रहे हैं। 5 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में जनता दरबार का आयोजन किया गया। मंगलवार को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नए प्रशासकीय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विवि के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने बताया कि आयोजन में विवि व कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध शिक्षक संस्था संचालक प्राचार्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ ही विद्यार्थी व उनके पालकों को बुलाया गया है ताकि वे अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकेंगे। समस्या उन्हीं की सुनी जाएगी जो बुधवार तक अपनी समस्याओं के ज्ञापन विवि की वेबसाइट पर दी गई एक लिंक पर पोस्ट करेंगे। समय पर समस्याओं का ज्ञापन लेकर पहुंचने वालों को समस्या रखने वालों को टोकन जरूर मिलेगा। शुरू होईल 12:00 वाजता आणि हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे। पहिल्या टप्प्यामध्ये 12:30 ते 1:30 या टप्प्यामध्ये महाविद्यालय संचालक आणि प्राचार्य यांची राहील। त्यानंतर शिक्षक वर्ग राहील, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वर्ग 1 तासाचा। त्याच्यानंतर पुन्हा नेक्स्ट स्लॉट राहील, हा राहील विद्यार्थी आणि पालकांचा। आणि शेवटला स्लॉट राहील की सगळ्या संघटनांचा, मग ते विद्यार्थी संघटना असो, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना असो किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या संघटना असो, त्यांचा सगळ्यात शेवटला स्लॉट राहील। आणि शिक्षण मंत्री स्वतः पर्सनली त्यामध्ये लक्ष देऊन या सगळ्या समस्यांचा निपटारा करण्याकरता। सभी को समस्याओं को रखने के लिए चंद मिनटों का ही समय मिल पाएगा। ऐसे में सवाल है कि कितने कम समय में कोई कैसे अपने बरसों की समस्या को रख पाएगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को तत्काल सुलझाया जाएगा। डॉक्टर चौधरी के मुताबिक जनता दरबार में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सामंत के अलावा विभाग के प्रधान सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।